गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज मेरे को पता चला है कि यहाँ पर समुद्र के अंदर एक विशाल मेगलाडोन लोगों पर हमला कर रही है, इसीलिए मेरे को वहाँ जाकर उसको खत्म करके लोगों को बचाना होगा। यही वजह है कि मैंने इस घर को बनाया है जो पानी के अंदर भी तैर सकता है, पर मेरे को अभी भी इस पर काफी काम करना होगा क्योंकि पता नहीं मेरे को उसको खोजने में कितने दिन लग जाएंगे। ओके तो गाइस घर तैयार हो गया, बस इसको टेस्ट करना बाकी। वैसे आप लोग देख सकते हो मेरा घर कितना शानदार है और इसमें सोने की जगह भी है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर ये घर काम नहीं किया तो मैं इसके नीचे दबकर मर जाऊंगा। चलो जो होगा देखा जाएगा, मैं इसको जल्दी से पानी के अंदर ले जाता हूँ। कमोन 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 कमोन। ओहो गाइस आप देख सकते हो मैं पानी के अंदर तैर रहा हूँ। चलो बाहर निकल जाते हैं क्योंकि मेरे को चेक करना है घर में कहीं गड़बड़ तो नहीं। इसको देखकर तो लग रहा है ये घर कभी भी पानी में नहीं डूबने वाला। गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो। अभी अचानक मौसम को क्या हुआ, बिजलियां क्यों चमक रही है, देखो पानी में भी तूफान आ गया। मेरे को ऊपर की तरफ जाना होगा, पर गाइस मेरा घर तो नीचे पानी में रह गया और शायद ये तो तूफान की चपेट में आ गया। अब मैं क्या करूं, वो तो यहां से दूर आगे की तरफ चला जा रहा है, मेरे को तो तैरना भी नहीं आता। अब मैं वहां कैसे जाऊंगा, शायद अब कभी भी मैं मेगलाडोन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। यार मेरा घर तो गायब हो गया, कहीं पानी में तो नहीं डूब गया। देखो सामने से माइकल यहाँ पर आ रहा है। अच्छा हुआ माइकल तू आ गया, तेरे लिए तो आना ही था। पर भाई मैंने मेरा घर खो दिया। तू उसकी चिंता मत कर। फिर बता मैं अब क्या करूँ, मैं तुझे ले चलूंगा। मेरे को तैरना नहीं आता। तू बस मेरे पर भरोसा करके मेरे को पकड़ कर बैठ जाना। ठीक है भाई ऐसा ही करूँगा, बस मैं कपड़े उतार देता हूँ। ओ माय गॉड माइकल तो कपड़े उतार कर एक बोट में बदल गया, कहीं मेरे को डूबो ना दे। पर गाइस जो भी हो मेरे को इस पर विश्वास करना होगा। चलो जल्दी बैठकर हम घर ढूंढने चलते हैं। ओ भाई साहब ये तो सच में पानी में तैर रहा है और वो भी काफी ज्यादा तेज। गाइस सच बताऊं तो मेरे को काफी मजा आ रहा है। गाइस आप इसको देख रहे हो ये हवा में भी उछल सकता है। अब मेरे को पानी के अंदर ले आया पर यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा। अबे ओए ओए मेरे को गिरा दिया और पता नहीं यहाँ से कहाँ चला गया, शायद प्रैंक कर रहा होगा, पर मैं नहीं डरने वाला। यार ये कौन सी जगह है, देखो पौधे लटके हुए और छोटी छोटी मछलियाँ भी है। अबे नहीं ना यार ये तो वही दानव है जिसके बारे में मैंने सुना था। पर अच्छा है वो जा रहा है, मेरे को भी बाहर निकल कर माइकल को खोजना होगा। देखो इस कमीने को मेरे को गिराकर कैसे तैर रहा है, जल्दी से इस पर बैठ जाता हूँ। अब हमको यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं उस दानव का खाना नहीं बनना चाहता। ओ माय गॉड ये तो यहाँ आ गई। गाइस अब मैं क्या करूँ, ये तो हमको खाने की कोशिश कर रही है। मेरे को नहीं लगता हम इसके नुकीले दांतों से बच पाएंगे। अब सब माइकल के हाथ में, यही मेरे को बचा सकता है। पर वो मछली भी काफी तेज तैर रही है, इस पर तो गोलियों का असर भी नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं, मेरे लिए अच्छा होगा मैं यहाँ से दूर भाग जाऊं, शायद मैंने उसको पीछे छोड़ दिया। अभी यहाँ से चलकर हम हमारा घर खोजते हैं क्योंकि वही जगह ऐसी है जहाँ पर हम सुरक्षित रहेंगे। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैंने घर को खोज लिया, अच्छा हुआ ये नहीं डूबा। चलो पानी में कूद कर हम घर के अंदर चलते हैं, पर मेरे को तूफान का सामना करके इसको किनारे तक ले जाना होगा। अरे वाह मेरा घर तो अभी भी पानी में तैर सकता है, पर ये अचानक से क्या हुआ, घर के अंदर खराबी कैसे आ गई, मेरे को बाहर निकल कर पता करना होगा। ओ माय गॉड अभी ये कौन आ गए, शायद इन छोटी सार्क ने घर का इंजन खराब कर दिया। मेरे को इनको मारना होगा। चलो इनको घर से बाहर फेंक देते हैं। पर गाइस घर को देखो कितना तबाह हो गया, लेकिन अच्छा हुआ अभी तक माइकल को कुछ नहीं हुआ। ओ भाई साहब इस बड़ी सांप ने तो माइकल को पूरा निकल लिया, अब पता नहीं कहाँ पर जा रही है। चलो छत पर जाकर देखते मेगलाडोन गई कहाँ। यार ये तो मुंह खोलकर मेरी तरफ ही आ रही है, पर लगता है पुलिस वाले मेरे को बचाने यहाँ आ गए। ओ माय गॉड इस सांप ने तो उछल कर चोपर तबाह कर दिया, देखो कैसे कूद कूद कर चोपर को निकल रही है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा हम का सामना कैसे करेंगे, पर गाइस मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, इस पर तो गोलियों का असर भी नहीं हो रहा। अब मैं इसको तब तक रॉकेट से मारता रहूंगा जब तक ये मर ना जाए। ओहो शायद ये मर गई, कहीं ये जिंदा ना हो, इसीलिए मैं इस पर बॉम्ब फेंकता रहूंगा ताकि ये पानी में डूब जाए। लगता है उसका काम तमाम हो गया, आखिरकार मैंने माइकल का बदला ले लिया। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। जाने से पहले वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।